नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पैरेललोग्राम्स. ओके, सो अब हम लोग अपने अभी हमने क्या क्या देखा था, अभी हमने कुछ क्वेश्चन टाइप्स देखे थे, जिसको हम तो कुछ एप्लीकेशन सॉल्व किए थे कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना. आपके टेक्स्ट बुक में से ही मैंने लिया था ताकि आपको और भी ज़्यादा ईजी हो समझने में, ठीक है. सो अभी तक हमने कौन कौन से शेप्स के एरिया एंड पेरीमीटर देख लिया. अभी तक हमने देख लिए हैं स्क्वायर के, है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, है ना, इन सारे शेप्स के. सब बेसिक शेप्स हैं, हमने सिक्स में भी देखे थे और अभी मैंने शुरुआत में बता दिया. ओके, एंड उसके बेस्ड पे कुछ जैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अब हमारा जो नेक्स्ट फिगर है और हमारा जो नेक्स्ट शेप है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है. उसका नाम होता है पैरेललोग्राम. अभी जो पैरेललोग्राम होता है वो कैसा दिखता है, वो कुछ इस टाइप का दिखता है. इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो जैसे कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है ना, मान लो ये हमारा रेक्टेंगल है, अभी जो रेक्टेंगल का स्लैंटिंग वर्जन क्या होता है हमारा, यहाँ पे पैरेललोग्राम, ठीक है. रेक्टेंगल का यहाँ पे स्लैंटिंग वर्जन होता है हमारा पैरेललोग्राम. ओके, सो ऐसा ही कुछ पैरेललोग्राम दिखता है. पैरेललोग्राम का शेप हमको पता चल गया. अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं. अब एरिया को समझने से पहले हम लोग पेरीमीटर देख लेते हैं. सो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम का, पेरीमीटर निकालते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है. उसके जितने भी साइड्स होंगे उन सबका अगर हम लोग सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो पेरीमीटर है वो निकल जाएगा. और एक और चीज़ पेरीमीटर निकालने में ये भी चीज़ है, जैसे कि हमारे रेक्टेंगल में गिवन होता है ना, जैसे कि मान लो ब्रेथ गिवन होता है एंड लेंथ गिवन होता है ना, और ये जो इस साइड का ये जो ब्रेथ होता है और जो इस टाइप का ब्रेथ होता है, मतलब ये जो दोनों ब्रेथ होते हैं इनका, अगर मान लो ये वाला ब्रेथ कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, 5 meters, ओके. तो फिर यहाँ का आपको गिवन नहीं है तो ये भी ऑब्वियसली 5 होगा, ओके, 5 meters होगा, क्योंकि जो दोनों ब्रेथ होते हैं मतलब जितने पैरेलल साइड्स होते हैं हमारे रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं, ठीक है. अब मान लो अब ये जो हमारे लेंथ है उसमें यहाँ पे कितना गया है, लेंथ यहाँ पे 10 गिवन है, 10 meters, ओके. सो जो नीचे वाला भी लेंथ होगा उसका भी कितना होगा, 10 meters मेजर होगा, ओके. सो सेम टू सेम हमारे पैरेललोग्राम में भी होता है. अगर पैरेललोग्राम में हमारे इस साइड का लेंथ गिवन है और 10, तो नीचे का भी 10 होगा. इधर हमको 5 गिवन है एज इन ब्रेथ, तो इधर का भी ब्रेथ 5 ही होगा, ठीक है. तो ऐसे ही आप सम ऑफ ऑल साइड्स करके आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो. अब बात करते हैं हम लोग इसके किसकी एरिया की, ठीक है. सो पहली चीज़ की अगर आपको किसी भी शेप का एरिया का आंसर अगर आपको निकलता है तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना चाहिए, ऊपर आपको कैसे लिखना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने लिखा है 24 centimeters square, ऊपर एक 2 का साइन लगा देना चाहिए आपको, तब वो एक एरिया का आंसर कहलाता है, ठीक है. अब देखते हैं पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है. पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बी इंटू एच. अब ये जो बी इंटू एच होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट. तो हमने बेस और हाइट पढ़ा था अपने ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में, ओके. अब ये जो बेस होता है वो क्या होता है हमारा, नीचे वाला एरिया होता है. अब ये जो हमारा हाइट होता है वो कौन सा एरिया होता है, हमारा हाइट, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हमारा जो हाइट होगा ये वाला होगा, जो एकदम टॉप से लेकर डाउन तक का मेजर ये हमें बताता है हाइट, ओके. सो ये हमारा हाइट हो गया, ये हमारा बेस हो गया. और एक और चीज़, हर जगह बेस नीचे वाला नहीं रहेगा. लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल है. अब इसमें क्या गिवन है ना, इसमें हमको हाइट गिवन है कुछ इस तरीके से, ठीक है. ये हमारी क्या है, हाइट है, ओके. ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और यहाँ पे हमको इसकी हाइट गिवन है. तो हम इसका ये नीचे वाले हिस्से को बेस नहीं लेंगे, जहाँ पे हमारा हाइट गिरेगा, ठीक है. मान लो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है, ओके. सो ए पॉइंट से बी सी पर ये हमारा पॉइंट, मतलब जो हमारा हाइट है वो गिर रहा है, ठीक है. सो उसका जो यहाँ से ए से ये मतलब हाइट है हमारा बी सी पर गिर रहा है, इसका मतलब जहाँ पे भी हाइट अपना मतलब लाइक एंड पॉइंट छोड़ेगा या फिर जहाँ पे भी हाइट कोई से भी लाइन पे गिरेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा. जिस लाइन पर गिरेगा वो उसका बेस होगा, ओके. सो क्वेश्चंस को भी हमको अच्छे से समझ के लेना है. ऐसा नहीं कि फिगर में जो नीचे वाला एरिया है वही इसका बेस होगा, ऐसा नहीं है. अगर हाइट ऐसे जा रही है तो ये इसका बेस होगा, है ना. अगर मान लो हाइट हमारी ऐसे जा रही है,
नीचे, तो ये इसका बेस होगा, जिस पर भी हाइट गिरेगी वो उसका बेस होगा। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम में हाइट और बेस का कैसे मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग एक पैरेललोग्राम बना देते हैं पहले। सो यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में कुछ इस तरीके से आपका हाइट गिर रहा है, ठीक है। सो ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। हाइट का तो आपको इस टाइप का दिखाते हैं, 90 डिग्री पे गिरता है, तो ये क्या हो गया हमारा, हाइट हो गया। हाइट का मेजर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। देन हाइट जिस भी लाइन पे गिर रहा है, मान लो ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ओके। ए से हमारा जो हाइट है वो परपेंडिकुलरली गिर रहा है बी सी पर, तो बी सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका बेस हो जाएगा, ओके। सो अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चंस का लाइक पेरीमीटर मतलब एरिया फाइंड करना है, हम इसके बेस को कितना ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। सो लेट्स सी द फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या है, बेस इंटू हाइट। अब जो आपका बेस है, बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड आपका हाइट कितना है, हाइट इज 3, तो आपको 4 × 3 कर देना होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एरिया आपका आंसर आ जाएगा, ओके। सो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे एरिया हो जाएगा, ओके। सो अब मैंने यहाँ पे आपको पूरा पैरेललोग्राम में जो भी एरिया पेरीमीटर होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, एंड व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइट, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ओके। सो अब इसी पर हमारा एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, मतलब एक एप्लीकेशन है जो आपके आ सकता है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में भी बहुत ज़्यादा एरियाज में गिवन है, जैसे कि एग्जांपल्स है, थिंक अबाउट इट में है, ओके। सो इसमें क्या है यहाँ पे आपका मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सो हेयर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले ही आपको एरिया गिवन है, अब आपको यहाँ पे गिवन है बेस, बेस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे बेस भी लिख देते हैं, बेस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया हमेशा इस टैबलर फॉर्म में अगर आप लिखोगे ना अपने आंसर में भी, और आपके जो जितने भी चीज़ें होते हैं क्वेश्चन पेपर्स, मतलब जितना भी आपके एग्जाम में भी आता है, अगर आप इस टाइप से लिखोगे तो पहली चीज़ जो मैम है वो भी खुश हो जाएगी, क्योंकि आपने सब कुछ टैबलर फॉर्म में लिखा और मैम को भी समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा, वो कैलकुलेशन करने में ईजी होगा करने में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो, अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्स। तो यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है, ये जो हमारा नीचे वाला है वो क्या है, नीचे जो हमारा ये बना हुआ है परपेंडिकुलर जिस पे हमारा हाइट गिरा है, वो ये क्या बन गया, हमारा बेस बन गया जो हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे हमको जो हाइट है जिसको हम यहाँ पे x बोल रहे हैं वो हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें h को फाइंड करना है, ठीक है। सो इसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करोगे, मैंने बताया अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको पहले ही एरिया दे दिया है, बस आपको उसके फॉर्मूले का कुछ मतलब सम फाइंड करना है, उसके फॉर्मूले में अगर कुछ मिसिंग है वो फाइंड करना है, तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख दोगे एरिया इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है हमारे पैरेललोग्राम का, यहाँ पे बोला है ना कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो एरिया इज इक्वल टू बी इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिख दिया बी इंटू एच, तो ये हमारे फॉर्मूला लिख दिया है बी इंटू एच। अब यहाँ पे आपको सब कुछ पुट ऑन करना है, एरिया यहाँ पे कितना गिवन है, ए के नीचे हम एरिया लिख देंगे 24 गिवन है ना। अब यहाँ पे बेस की जगह कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख देंगे इंटू एच, एच ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि एच ही तो हमको एक्स के रूप में फाइंड करना है, ठीक है। सो अब इसे फाइंड करते हैं, अब जब हमारा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये एक इक्वेशन बन गया है, अब हमें यहाँ पे इक्वेशन मतलब सॉल्व करना होगा हर जगह, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाय 4, तो हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। सो कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं 4 के टेबल से ही कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, यहाँ पे अब क्या बच गया हमारे पास, h बच गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 is equal to h, इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे x है, और वी कैन से लाइक यहाँ पे जो हमारा हाइट है वो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर,
ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये हमने ऑल अबाउट देख लिया पैरेललोग्राम का, एंड यहीं पे हमारी क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया एनसीईआरटी का पार्ट 1 ऑफ इंट्रोडक्शंस खत्म होता है। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सो टेक केयर एंड हेलो एवरीवन, इट्स मी ईशा, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 विच इज पेरीमीटर एंड एरिया पार्ट 2 ऑफ इंट्रोडक्शन। ओके, सो आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर वो आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हो। ओके, आपको आई बटन पर मिल जाएगा, और अगर आपको वहां पर नहीं दिख रहा है तो आप जाके मेरे चैनल पर भी देख सकते हो, वहां पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। ओके, सो अब हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो इसमें हम लोग अपना सेकेंड इंट्रोडक्टरी, मतलब जितना भी बचा था इंट्रोडक्शन में, वो सारा यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस पूरे चैप्टर का। आप मेरे लिए समझ लो कि जो आधा चैप्टर है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सो अब ये जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, दिस इज नोन एज सर्कल्स। अब सर्कल्स के ऊपर हम लोग देखेंगे कि सर्कल्स का एरिया पेरीमीटर क्या होता है ना, सर्कल्स, सेमी सर्कल्स। ओके, सो इन्हें समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड बहुत सारे बच्चों को इसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है। ठीक है, इसीलिए जो पूरा मतलब हमारा चैप्टर, इसका आधा पूरा चैप्टर हमारे सर्कल्स के ऊपर ही बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग सर्कल के एरिया पैरामीटर पर डायरेक्टली नहीं जाएंगे, अभी थोड़े थोड़े मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद एरिया पैरामीटर पर जाएंगे। अब आप लोगों ने सर्कल्स तो देखे हैं, अब सर्कल्स में आप लोग सिक्स्थ फिफ्थ से ही पढ़ते आ रहे हो कि जो सर्कल होता है उसमें क्या होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं एक और बना देती हूँ, ये सेंटर पॉइंट है ना। अब सेंटर पॉइंट के जो इस तरफ वाले एरियाज होते हैं, मतलब सेंटर पॉइंट से कनेक्टेड, हाफ सेंटर पॉइंट से कनेक्टेड, और अपने जो हमारे ये बाउंड्री होता है इससे कनेक्टेड वाला ये जो हाफ लाइन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, है ना, रेडियस बोलते हैं। और अगर हम यही पॉइंट को मतलब पूरा एक्सटेंड कर दें, ठीक है, अगर किसी सर्किल में दो मतलब एक ऐसी लाइन है जो इसके बाउंड्रीज को छूती है, ठीक है, विद द सेंटर, ठीक है, अगर ऐसी कोई लाइन है तो वो क्या बन जाती है, इसकी डायामीटर, ये पूरा क्या बन जाएगा, डायामीटर। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे कि ये क्या है, डायामीटर इज इक्वल टू 2R। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे d क्या है, मतलब d इज इक्वल टू 2R। अब ये d क्या है, यहाँ पे डायामीटर है, डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। अगर आप मतलब ये जो डायामीटर होता है ना, ये क्या होता है, अगर हम इसी रेडियस को दो बार लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, डायामीटर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी सर्किल का सिर्फ ये जो हाफ है ना, पॉइंट से लेकर मतलब ये जो हमारा ये मतलब बाउंड्री है, यहाँ पे अगर कोई लाइन हाफ होती है, यहाँ पे इस टाइप के अगर कुछ फॉर्म करता है, तो ये हमारा रेडियस बन जाएगा। ठीक है, जो सेंटर पॉइंट से हमारे बाउंड्री तक कनेक्टेड रहता है, ठीक है, और ये सिर्फ दो पॉइंट से मिलकर बनता है। एंड अगर हम यहाँ पे एक और पॉइंट जोड़ दें, मतलब जो तीन पॉइंट से मिलकर बनता है, उसे हम डायामीटर बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक रेडियस है और यहाँ पे भी एक रेडियस है, तो जब दो रेडियस कंबाइन होते हैं तो ये एक डायामीटर बनता है। आप लोग को पता चल गया, अब यहाँ पे डायामीटर बनाने के लिए तीन पॉइंट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे डायामीटर बना दोगे, यहाँ पे तो एक भी, बस सिर्फ दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ये तो कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, हमारा सेक्टर बन जाएगा। ओके, सेक्टर बन जाएगा, सेक्टर सेगमेंट, ये हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड में किया था। ठीक है, सो जो सेक्टर और सेगमेंट ये बन जाते हैं, इसमें आपको अगर यहाँ पे तीन पॉइंट होते तब ये एक डायामीटर बन जाता। ठीक है, तीन पॉइंट इसका मतलब जो बीच वाला पॉइंट होगा वो सेंटर पे लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी ये जो लाइन है, ये क्या है, ना तो ये रेडियस है ना तो ये डायामीटर है। ठीक है, सो ये हमने डायामीटर रेडियस समझ लिया। अब ये जो d इज इक्वल टू 2R है, इसका मतलब डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर। अगर हम रेडियस को दो बार एक ही मतलब जो रेडियस है उसे हम 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा डायामीटर आ जाता है। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे आता है, व्हाट इज पाई। ओके, सो अब ये जो पाई होता है, मतलब यहाँ पे हम लोग समझते हैं पहले कि ये जो साइन है आपके पास, इस टाइप का कुछ साइन,
ये होता क्या है. ओके सो ये जो साइन होता है ना, ये हम लोग अपने एरिया एंड पेरीमीटर के फॉर्मूलेज में यूज़ करते हैं. ओके अब ये जो साइन होता है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसका जो मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म होता है उसे हम ऐसे लिखते हैं, 22/7 भी लिख सकते हैं और हम इसे लिख सकते हैं 3.14. ठीक है, हम इसे इन दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं. ओके और ये जो दोनों हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पाई रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये जो साइन है इसी को ये रिप्रेजेंट करते हैं. ओके सो ये हम पता चल गया. और अब अभी जिन्हें नहीं पता चल रहा है तो मैं इसे पढ़ाने से पहले एक बार अब ये जो एरिया और पेरीमीटर होता है उसे पढ़ा देती हूँ, तो शायद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी. अब एक और चीज़, अब जो हमारा सर्किल होता है या फिर बेटर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, देन पैरेललोग्राम है, इतने सारे शेप्स मैंने बना दिए. अब ये जो सारे शेप्स होते हैं इन सब का जो एरिया होता है हम उसे एरिया ही बोलते हैं, है ना. अब जो पेरीमीटर होता है इन सारे शेप्स में हम इन्हें पेरीमीटर ही बोलते हैं, मतलब इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, है ना. पेरीमीटर बोलते हैं तो सबको पता है. लेकिन लेकिन जो सर्किल की बाउंड्री होती है ना, सर्किल की बाउंड्री मतलब ये जो सर्किल का जो बाहर का जो मेजरमेंट होता है इसे हम पेरीमीटर नहीं बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसे हम, इसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. ओके पेरीमीटर कहीं कहीं यूज़ कर दिया ठीक है, लेकिन इसे ऑफिशियली फॉर्म में सर्किल का जो पेरीमीटर होता है उसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. अगर आपसे कोई पूछे कि आपको इस सर्किल का मतलब ये जो सर्किल है इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, इसका मतलब क्या होगा कि आपको उस सर्किल का बाउंड्री और वी कैन से लाइक पेरीमीटर फाइंड करना है. ओके सो अब हम लोग देखते हैं सर्कमफ्रेंस एंड एरिया का फॉर्मूलाज. ओके फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड एरिया. अब ये जो सर्कमफ्रेंस में हर जगह बोल, इससे आप इससे आपको ये भी पता चल सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन में पूछा गया रहेगा कि आपको इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये सर्किल का पेरीमीटर आपको फाइंड करना है. ओके एंड इसे आप अच्छे से समझ भी सकते हो, लर्न भी कर सकते हो. सर्कमफ्रेंस सर्कल और उसका फेरेंस मतलब जो फेंस होता है ना हमारा, जैसे एग्जांपल्स में बहुत सारे लोग लेते हैं ना कि ये गार्डन है इसकी जो फेंस है ठीक है, आपको बताना है इस फेंस में जितना वायर लगेगा वो कितने मीटर का होगा. तो ये सब हम कैसे क्वेश्चंस में लेते हैं, पेरीमीटर के क्वेश्चंस में लेते हैं. तो ऐसे ही सर्कल का जो फ्रेंस मतलब फेंस होता है उसी को हम सर्कमफ्रेंस यहाँ पे बोल सकते हैं, आप समझ सकते हो वैसे. ओके अब हम इसे पेरीमीटर मतलब इसका जो सर्कमफ्रेंस और एरिया का फॉर्मूला देखते हैं. अब यहाँ पे हमारे जो सर्कल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr और पाई डी. ठीक है अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मेरे को पता है अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा. तो ये जो हमारा 2πr है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम 2 लिख सकते हैं और इसके बीच में इंटू का साइन, फिर यहाँ पे क्या है हमारा पाई है, पाई को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं या फिर 3.14 लिख सकते हैं. ओके ये हमारा मतलब पहले से ही बता दिया गया है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है तो 2 एज इट इज़ रहेगा और जो पाई है वो आपका एज इट इज़ रहेगा. इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को 22/7 लिखना चाहिए, बिकॉज आप डेसिमल में आंसर निकालना स्टार्ट कर दोगे ना डैट विल बी वेरी डिफिकल्ट. ओके सो आप फ्रैक्शंस में आंसर निकालो वो ईजी रहता है ठीक है. सो हम इन दोनों फॉर्म्स में से लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आर है तो इंटू आर. अभी जो आर है व्हाट इज दिस, आर इज रेडियस ठीक है, जो हमारा रेडियस होता है उसी को हम आर बोलते हैं और हम इसे पाई डी भी लिख सकते हैं, पाई इंटू डी. ये क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पे जो डी है दैट इज आर डायामीटर. ओके अगर आपको डायामीटर पता है मतलब आपको एक रेडियस ही पता रहेगा ना, तो 1 रेडियस इंटू 2 कर देंगे है ना, आपको डायमीटर पता चल जाएगा, तो आप पाई इंटू डायमीटर डायरेक्ट कर सकते हो या फिर आपको 2πr भी कर सकते हो. ओके सो ये दोनों फॉर्मूला हैं इसके. अब दोनों का मतलब एक ही, आप दोनों से आंसर निकालोगे तो सेम आएगा ठीक है. अब हमने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला देख लिया, अब आते हैं रेडियस के फॉर्मूला पे. अब रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. व्हाट इज दैट, पाई 22/7 इंटू पाई
इनटू आर, यहाँ पे क्या है हमारा रेडियस, रेडियस क्या होता है हमारा जो सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे टच होता है, ठीक है, हाफ डायमीटर का हाफ। अब यहाँ पे हम लोग रेडियस लिख देते हैं अपना आर, आर ऊपर, आर के ऊपर स्क्वायर का साइन, मतलब जो टू होता है वो। अब मान लो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में क्या रहेगा ना, जो हमारा रेडियस है वो कितना हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, सेवन ले लेते हैं, ठीक है, रेडियस यहाँ पे हम लोग सेवन ले लेते हैं, तो रेडियस मैं लिख देती हूँ सेवन, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप कर दिया है एक सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पुटअप कर दिया है पाई इंटू सेवन स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पाई का यहाँ पे वैल्यू क्या है, 22/7, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटू करना है किससे, सेवन के स्क्वायर से, सेवन का स्क्वायर क्या होता है, सेवन सेवनज़ा, ठीक है। स्क्वायर मीन्स एक ही नंबर को अपने से ही मल्टीप्लाई करना होता है, नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं है कि सेवन इंटू टू करना है यहाँ पे, ये नहीं करना है, स्क्वायर का मतलब सेवन इंटू सेवन करना है, सेवन इंटू टू नहीं, तो सेवन सेवनज़ा 49, ओके, ये हमने लिख दिया 49 एंड आपको ये तो आपको पता ही होगा कि सिक्स से और या फिर फिफ्थ स्टैंडर्ड से ही आपको वन से टेंथ तक का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, ठीक है। सो अगर आपको नहीं पता है तो स्क्वायर रूट का मतलब जो मिलता है बहुत सारे गूगल्स पे भी है, ठीक है, आप देख सकते हो, फिर आप खुद से भी लिख सकते हो, 8 8 7 6 6 2 2, ये तो आप खुद से भी बना सकते हो, ओके। सो अब यहाँ पे फॉर्मूला के आगे बढ़ाते हैं मतलब आंसर को। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो 7 है और ये जो 49 है, ये तो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, तो कैंसिल कर देते हैं, 7 1 7 और यहाँ पे हो जाएगा 7 7 49, है ना, 7 7 यहाँ पे कैंसिल हो गया 7 और 49, तो यहाँ पे बच गया 7 और यहाँ पे बच गया 1, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 22 into 7, क्योंकि 1 का तो कुछ लिख ही नहीं सकते। अब यहाँ पे जो 22 into 7 है हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 22 into 7 7 7 7 2 14, फिर 7 2 14 15, मेरे पास आंसर कितना आ गया, 154 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग मीटर मान लेते हैं, 7 मीटर इसका रेडियस है, ठीक है, 154 मीटर स्क्वायर। इस टाइप से आप किसी भी सर्कल का एरिया फाइंड करोगे। अब हमने एरिया, पेरीमीटर एंड एवरीथिंग अबाउट सर्कल्स देख लिया, अब सर्कल से जुड़ा एक और शेप आता है, ओके, दैट इज़ नोन एज सेमी सर्कल्स, ओके। सेमी सर्कल्स भी आप लोगों को पता है, सर्कल का हाफ होता है हमारा सेमी सर्कल, तो जो सेमी सर्कल का एरिया और पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, वो भी एकदम मिलता जुलता होगा हमारे एक सर्कल के सर्कमफेरेंस और एरिया से, ठीक है। सो जो हमारे सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस मतलब जो पेरीमीटर होता है और वी कैन से लाइक हम यहाँ पे पी लिख देते हैं, पेरीमीटर की जगह पी होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो जो सेमी सर्कल होता है वो क्या होता है, एक सर्कल का हाफ होता है, तो जितने भी इसके मतलब जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होगा, ठीक है, उसका जो हाफ होगा वो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और जो एरिया का फॉर्मूला है उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, सब चीज़ का हाफ यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। देखते हैं कैसे, जैसे कि यहाँ पे पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr है ना, 2πr है, तो अगर हम लोग 2πr का हाफ कर दें, हाफ इंटू 2πr, तो ये क्या बन जाता है, ये हमारे सेमी सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाता है, ओके। एंड हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2πr/2, ठीक है, क्योंकि 1 तो यहाँ पे कैसे भी रहेगा ना, ठीक है, तो ऐसे भी इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, 2πr/2, तो ये हमारे पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ऑफ व्हाट, सेमी सर्कल। अब एरिया का फॉर्मूला देख देते हैं ऑफ सेमी सर्कल, तो इसका सेम क्या होगा, यहाँ पे क्या है, पूरे सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सो अगर हम इसका हाफ कर दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारे सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा, यही तो मैं बोल रही थी, हाफ कर दोगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब आंसर करते हैं, ओके। सो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है जैसे कि
पाई आर स्क्वायर। तो जैसा पाई आर स्क्वायर आपको मतलब आर दिया है उसका स्क्वायर लिख के आपको आंसर लिखना है, बस सब कुछ को ऊपर आपको आंसर निकाल देना और उसको बस 2 से डिवाइड कर देना है, काम खत्म, बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका। और फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ठीक है, इन सब के फॉर्मूलाज आपको लिखना है तो आप लिख लो, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है और ये सारे हमारे पास फॉर्मूलाज हो गए, आप मैंने जो सर्किल कर लिया है वो सारे फॉर्मूला है, आपको लिखना है आप लिख लो, और ये जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिखा है ये भी आप नोट डाउन कर लो, ओके। सो दैट्स इट फॉर आर इंट्रोडक्शन ऑफ सर्किल्स, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। आवर लास्ट सब टॉपिक इज अबाउट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ओके। सो आपके टेक्स्ट बुक में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एंड कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ओके। सो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। एंड मैं कहती हूँ कि पूरा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक सर्किल है ना। अब आपसे एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, ठीक है, मैंने टेक्स्ट बुक में से ही लिया ताकि आपको ईजी हो समझने में, ओके। आपके पास एक बिग सर्किल है, ओके। देन उस बिग सर्किल के अंदर आपके पास 2 स्मॉल सर्कल्स हैं एंड 1 रेक्टेंगल है, दे मेक अ फेस, ओके। एक फेस बना रहे हैं, आपको पता है अब यहाँ पे मैंने मार्कर से बनाया तो इतना एक्यूरेट सर्कल नहीं बनाया, लेकिन दैट्स अ सर्कल, ठीक है, एकदम परफेक्ट सर्कल, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल है। नाउ अब आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दैट सीमा ने, मतलब मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि सीमा हैज़ मेक अ कुकी, ओके, शी हैज़ मेड अ कुकी, एंड वो कुकी के अंदर क्या करती है ना, वो कुकी के अंदर 2 स्मॉल सर्कल्स काट देती है एंड देन 1 रेक्टेंगुलर शेप एक माउथ काट देती है, ठीक है। सो अब पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, अब पूछा जा रहा है कि उसने ये 3 टाइप के शेप उसके अंदर काटे टू मेक अ स्माइली फेस, ठीक है, स्माइली फेस मांग लेते हैं, ठीक है, टू मेक अ स्माइली फेस। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ये जो बाकी का जितना एरिया, मतलब सिर्फ ये जो बाकी का ये सब जितना एरिया बचा है ये सब कितना है, ठीक है, ये जो बाकी का एरिया बचा है इसके अंदर के जो शेप्स है ना इनका एरिया यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, ओके, इनका एरिया यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ ये जो पूरा एरिया है इसका एरिया पूरा इसमें इंक्लूड होना चाहिए, ये जो छोटे छोटे सर्कल्स उसने काट दिए है ना उसके एरिया यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तब आप कैसे फाइंड करोगे, आपको तो सिर्फ पूरे सर्किल का एरिया फाइंड करने आता है, आपको ऐसे थोड़ा ना आता कि कटआउट का भी हम एरिया उसमें से एक्सक्लूड कर दें। तो बहुत ईजी है, देखो हमें पता है एक पूरे सर्किल का एरिया कितना होता है ना, ये तो हमें पता है, तो हमारे कितना एरिया होता है पूरा, हमारा पूरा एरिया उसको हम एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। सो आप वही फॉर्मूला लगा के अभी आपको ये फॉर्मूला बस आपको माइंड में रखना है कि ये सर्कल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको गिवन रहेगा ये जो हमारे पास छोटे छोटे सर्कल्स हैं ना, तो आपको टेक्स्ट बुक में गिवन रहेगा कि ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं इनका रेडियस क्या है, ठीक है। अब रेडियस किस बात पे दे दिया इन छोटे छोटे सर्कल का, इसीलिए दे दिया जिससे आप क्या फाइंड कर पाओगे ना, पहले आपको अगर इस टाइम पे क्वेश्चन आता तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, पहली चीज़ आपको ये जो छोटे छोटे फिगर्स हैं इन सब का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको ये जो बड़ा वाला फिगर है इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा फुल टोटल, ये जो बड़ा वाला सर्किल है इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो छोटे छोटे यहाँ पे सर्किल और छोटे छोटे जो शेप्स हैं इन सब का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा आपको जो पूरा सर्किल है उसका एरिया यहाँ पे लिखना पड़ेगा और उसके उसको माइन मतलब उसके अंदर से ये जो छोटे छोटे सर्कल्स का जो एरिया था उन सबको यहाँ पे माइनस कर देना होगा, जो तीनों चीज़ों का एरिया था उसको इस बड़े सर्कल के एरिया में से माइनस कर देना होगा, तो आपको ये जो बचा कुचा एरिया था उसका आप मतलब जो बचा कुचा जगह बची थी उन सब का एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखो ये एक बड़ा सा सर्कल है ना, इसके अंदर 3 छोटे कटआउट है, ओके। अब पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले आपको इस बड़े वाले सर्कल का इस इन सब के साथ मतलब ये नहीं है पूरे बड़े वाले सर्कल का आपको एरिया मतलब रेडियस दिया होगा जिसकी मदद से आप इस पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया फाइंड कर लोगे, ठीक है। उस बड़े वाले सर्कल का एरिया आपने फाइंड कर लिया, ठीक है, फिर आपको इन ये जो छोटे छोटे फिगर हैं इन सब का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपने इन छोटे छोटे फिगर्स का एरिया फाइंड कर लिया,
अब आपसे पूछा है कि जितना यहाँ पे जो स्पेस है, मतलब ये जो मैं रेड कलर से शेड करती हूँ, ठीक है, ये जो जितना और रेड कलर से मैंने शेड किया, मतलब जितना बाकी बचा है, ठीक है, फिगर में जो रेड कलर से जितना मैंने शेड किया है, इन सब का एरिया क्या होगा विदाउट दिस पार्ट्स, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने इन चारों चीज़ों का एरिया निकाल लिया है, फिर आपको ये बड़े वाले सर्किल में से इन तीनों छोटे छोटे चीज़ों का एरिया को माइनस कर देना होगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका ये जो मैंने जितना भी रेड कलर से शेड किया उसका एरिया मिल जाएगा आपको, ओके। सो ये मैंने एक टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया और वी कैन सेलेक्ट एप्लीकेशन। अब ये नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लेट मी से दैट रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल के अंदर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, और आपको इस ट्रायंगल का इस मतलब अगर मैं बताती हूँ, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एक लड़की है एक लड़की है जैसे कि सीता, उसने क्या किया ना, एक रेक्टेंगुलर क्राफ्ट पेपर पे उसने एक ट्रायंगल को काट के बाहर निकाल दिया, ठीक है, अपने क्राफ्ट को यूज़ करने के लिए। उसके बाद वो जानना चाहती है कि जो जितना बचा हुआ एरिया है यहाँ पे, जितना मैं अभी रेड मतलब ये जो जितने बचे हुए एरिया है इसका मतलब एरिया कितना होगा, ठीक है, मतलब अगर हम लोग इस ट्रायंगल को इस बड़े वाले रेक्टेंगल से एक्सक्लूड कर दें तो हमें इस सब का एरिया मिल जाएगा, ठीक है, रिमेनिंग का एरिया मिल जाएगा। तो पहले आपको इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा, ओके, लेंथ और ब्रेथ आपको दिया रहेगा, तो आपको बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा और उसके अंदर से आपको इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना होगा, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, इस रिमेनिंग का आपको एरिया मिल जाएगा, ओके, ये भी आपको समझ में आ गया। अब एक और टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है, हम इसे बोल सकते हैं लाइक पार्क वाला क्वेश्चन। इस वाले में क्वेश्चंस में क्या होता है ना, जैसे कि बोल दिया जाएगा कि दिस इज अ पार्क, ओके, रेक्टेंगुलर पार्क है और गवर्नमेंट चाहती है कि वो इसके आसपास एक लेट मी से दैट एक वो बनाना चाहती है, जैसे कि रनिंग पाथ बनाना चाहती है, जैसे कि पार्क होता है ना, तो पार्क में लोग बीच में खेलेंगे और यहाँ पे जो छोटा सा बचा हुआ एक हम लोग पाथ बना देंगे जहाँ पे लोग वॉकिंग जॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी सेम आपको जो शेडेड पार्ट दिख रहा है वो क्या है, वॉकिंग और जॉगिंग के लिए गवर्नमेंट ने बना दिया है, ओके। अब यहाँ पे अब यहाँ भी आपको कुछ जैसे कि कुछ मतलब नंबर्स दिए गए हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे पास ये जो पूरा रेक्टेंगुलर बड़ा वाला पार्क है, अगर हम इसके अंदर से ये जो छोटा मतलब जिसके अंदर बच्चे खेलेंगे इस वाले एरिया को अगर हम लोग इसमें से निकाल दें, माइनस कर दें, तो ये जो रनिंग पाथ का एरिया हमको बताना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो हमको सिर्फ इस रनिंग पाथ का एरिया निकालना है, ठीक है, हमें इस पूरे पा मतलब ये जो बीच वाला एरिया है इसका नहीं निकालना है, सिर्फ इस रनिंग पाथ का निकालना है। तब आप क्या करोगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, मतलब ये जो पूरा रेक्टेंगल है मतलब जो पूरा पार्क है उसका एरिया निकालना पड़ेगा, ओके, एरिया निकाल लिया, उसके अंदर से ये जो छोटा वाला पार्क है उसका एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर जब आप इस बड़े वाले रेक्टेंगुलर पार्क में से ये छोटा वाला पार्क माइनस कर दोगे तो आपको रनिंग पाथ मिल जाएगा, ओके। सो ऐसे ही हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम लोग एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन तो करेंगे ही, ठीक है। सो ये मैंने बेसिकली सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से ही निकाले हैं, एंड यहीं पे हमारी क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का पार्ट 2 ऑफ इंट्रोडक्शन खत्म होता है, पूरा इंट्रोडक्शन ये भी खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।